औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियोस मैं बनाकर भेज रहा हूँ, ये आप तमाम की पढ़ाई में बहुत मददगार साबित हो रहे होंगे। आइए खत कशीदा हिस्सा यानी सायादार हिस्से के रकबे को मालूम करने की एक और मिसाल देखते हैं। मश्क 5.3 से 13 मिसाल है। इस मिसाल में मुरब्बा ओ ए बी सी को, जिसका जिला 20 सेंटीमीटर है, उसे एक दायरे का रबा या दायरे का तराश ओ क्यू बी पी में बनाया गया है। यहाँ इस खत कशीदा हिस्सा या सायादार हिस्से का रकबा हमको मालूम करना है। अब इस खत कशीदा हिस्से का रकबा मालूम करने के लिए इस मिसाल में हमें चाहिए कि हम मुरब्बे का रकबा मालूम करें, फिर उसके बाद दायरे के तराश का रकबा मालूम करें। मुरब्बे का रकबा तो खैर मालूम हो जाएगा क्योंकि जिले की लंबाई दी गई है, लेकिन दायरे के तराश का रकबा मालूम करने के लिए हमें निस्फ कतर चाहिए, और वो निस्फ कतर वो भी होगा, और इस निस्फ कतर वो भी की लंबाई फीसा गोरसी मसले असबाती के इस्तेमाल से हम मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ओ ए बी ये कायमतुज़ाविया मुसल्लस है। इस कायमतुज़ाविया मुसल्लस पर फीसा गोरसी मसले असबाती का इतलाक करते हुए हम लोग ओ बी की लंबाई मालूम कर सकते हैं, और एक मरतबा अगर ओ बी की लंबाई मालूम हो गई तो तराश का रकबा भी मालूम होगा। फिर मुरब्बे का रकबा तो खैर मालूम हो ही जाएगा क्योंकि जिले की लंबाई दी गई है। फिर तराश के रकबे में से मुरब्बे के रकबे को अगर हम तफरीक करते हैं तो हमें खत कशीदा हिस्से का रकबा मालूम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस फिगर अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 20 सेंटीमीटर इज मेड इन अ क्वाड्रेंट ओ क्यू बी पी एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। सो टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन वी रिक्वायर टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इजीली फाउंड आउट बिकॉज द लेंथ ऑफ द साइड इज गिवन। बट टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर द लेंथ ऑफ द रेडियस मस्ट बी गिवन, एंड इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल राइट नाउ वी डोंट हैव द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ विच OQBP is a sector. Now to find the radius of the circle, or in other words to find the length of OC, you have to apply Pythagoras theorem for the triangle, right angle triangle OAB, and if we apply Pythagoras theorem we will be finding the length of OB. If once the length of OB will be with us and we can easily find the area of the quadrant, and if we subtract the area of the square from the area of the quadrant we will be easily getting the area of the shaded portion. Okay, now let us first apply Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem फीसागोरसी मसले की रूह से, फीसागोरसी मसले की रूह से ओ बी स्क्वायर, या फिर मुझे ऐसे कहने दो के एम टी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एम टी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस एम टी ब्रैकेट स्क्वायर। ये ढांचा जैसे के मैंने स्कूल में बताया है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्केलेटन ब्रैकेट स्क्वायर एम टी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एम टी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस एम टी ब्रैकेट स्क्वायर। तो हियर इन दिस एम टी ब्रैकेट हमको ओ बी लिखना है, और यहां ओ ए एंड हियर ओ बी ए बी। सो दिस इंप्लाइज ओ ए जो है 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। ओके, सो दिस दैट इज इक्वल टू 400, 20 का मुरब्बा 400 जमा फिर 20 का मुरब्बा 400, 20 स्क्वायर 400 एंड अदर 20 स्क्वायर 400 इज इक्वल टू 800। 800 ओबी का मुरब्बा है
तो वो भी जो है 800 का जजर होगा। अब चूंकि जाब्ते में इन द फॉर्मूला देर इज आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ओ बी लेट अस राइट 800 एज आर स्क्वायर। तो बजाय इसके कि हम 800 का जजरुल मुरब्बा मालूम करते हुए ओ बी की कीमत मालूम करें, अब हम 800 ही को आर स्क्वायर की तरह लेंगे। अब आइए शेडेड पोर्शन का रकबा मालूम करने की तरफ बढ़े। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, आप जानते हैं जाप्ता 360 डिग्रीज इंटू पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ओके माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर मुरब्बे का रकबा जाप्ता ये स्क्वायर। कीमतें दर्ज करेंगे, लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, थीटा 90 डिग्रीज एज यू नो डिवाइडेड बाय 360 डिग्रीज इंटू यू नो पाई 22/7, आप जानते हैं पाई की कीमत 22/7 होती है, लेकिन यहाँ इंस्टेड ऑफ राइटिंग 22/7 3.14 लिखेंगे, लेट अस राइट 3.14 इंटू आर स्क्वायर इज नथिंग बट 800। वी आर फाउंड बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, फिसागोरसी मसला इस्बाती का इस्तेमाल करते हुए हमने आर स्क्वायर की कीमत मालूम की है। तो इसको रखेंगे ब्रैकेट में, फिर माइनस ये जो है वो 20 स्क्वायर है, फिर आगे इसको मुख्तसर कर लिया जाएगा, ये 90 360 कैंसिल करेंगे तो 1/4 आएगा, और 4 से 800 को तकसीम करने पर 200 आएगा। इन दोनों का हासिल जनब 628 आता है। इफ यू मल्टीप्लाई 3.14 बाय 200 द वैल्यू विल बी 628 माइनस 20 स्क्वायर इज 400, एज वी नो 400 वी यूज इन द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज इक्वल टू नाउ द इफ यू सब्ट्रैक्ट 400 फ्रॉम 628 यू विल बी गेटिंग 228 एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 628 में से 400 को अगर तफरीक किया जाए तो 228 आता है, और 228 मुरब्बा सम इस मिसाल में इस सायादार हिस्सा या खत कशीदा हिस्से का रकबा है। थैंक यू।